हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रहा है चपली कबाब बर्गर। आप सबका फेवरेट है, लेकिन आपको कुछ टिप्स भी मैंने इसमें बतानी है कि चपली कबाब टूटेंगे नहीं, जूसी और मजेदार बनेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन किचन 123 की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया हुआ है और उसको इस तरह से मैंने जाली में डाल के रखा हुआ था। ये देखिए, मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। जितना भी इसका पानी था वो इस जाली के जरिए नीचे प्याले में जमा हो गया, उसको मैंने फेंक दिया। और ये देखिए, बिल्कुल खुश्क कीमा मेरे पास है। इसी तरह मैंने प्याज का भी यही किया कि इस साइज का प्याज लेके मैंने इसको कद्दूकश किया और उसको भी इसी तरह से, ये एक जाली वाली प्लेट है इसके अंदर मैंने इसको रखा और हाथ से भी प्रेस किया तो इसका भी तमाम पानी जो था वो सब निकल गया। एक खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक खाने का चम्मच ही मैंने हरी मिर्च का लिया हुआ है, भर के नहीं लिया, ऐसे लेवल सा करके लिया हुआ है। और एक खाने का चम्मच ही ये नींबू का जूस है, एक अंडा है। और इस कलर की प्लेट में मेरे पास जो मसाले मौजूद हैं, 2 चाय के चम्मच नमक के, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा है और 1.5 चाय का चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। देखिए, मोटा मोटा से इन दोनों चीजों को, साबुत धनिए को और जीरे को मोटा मोटा कूटा हुआ है और इनको मिक्स करते हैं। सबसे पहले प्याज ऐड कर दी, बिल्कुल खुश्क है। ये तमाम मसाले जो भी मैंने आपको बताए ये इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च और ये है नींबू का जूस। हाथ से आपको काफी देर लगा के खूब अच्छी तरह से मिक्स करना होगा ताकि मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसकी मैरिनेशन भी हो जाए। 10 मिनट तक मैंने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स किया है और अब ये बगैर फेंटे अंडा मैं इसमें डाल रही हूं। अब इस अंडे को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। अंडा डालने के बाद मजीद 3-4 मिनट मैंने इस कीमे को गूंदा है और ये जो चिकन का कीमा है अच्छी तरह से अंडे के साथ मिक्स हो गया है। अब मैं इसको इस ढक्कन वाले एक डोंगे के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ और इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। इसको मैरिनेट करने के लिए आप इसको कम से कम 1 घंटे के लिए जरूर फ्रिज में रखें, वरना अगर 4 घंटे के लिए रख रहे तो फिर तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में और फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चपली कबाब के लिए हमने जो कीमा तैयार किया था उसको रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। ये अच्छा खासा फर्म हो गया है, अभी खुले प्लेटर में निकाल के आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाजा होगा कि कितना स्टिकी सा हो गया है। इसमें ऐड करने के लिए एक अंडा मजीद इसमें कबाब बनाने से पहले इसमें शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने मकई का आटा लिया हुआ है और बंस ये दो बना के आपको दिखाऊंगी, लेकिन चपली कबाब तो ज्यादा बनेंगे, आप ज्यादा बर्गर भी बना सकते हैं। और ये प्याज के इस तरह से मैंने लच्छे ऐसे बनाए हुए हैं और टमाटर जो है वो बर्गर में भी लगाएंगे और चपली कबाब के ऊपर भी, जो बड़े खूबसूरत लगते हैं। चपली कबाब को डीप फ्राई करने के लिए 2 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल फ्राई पैन के अंदर डाला हुआ है। अभी मैंने इसको गर्म करने के लिए नहीं रखा, पहले हम मिक्स कर लेते हैं चपली कबाब के मिक्सचर को, इसके बाद ऑयल को गर्म करेंगे। देखिए, फ्रिज में रखने की वजह से और कीमे और प्याज का पानी निकाल देने की वजह से, जो कि इसमें असल ट्रिक है, हमारा जो कीमे का मिक्सर है वो कितना ज़्यादा देखिए फर्म है और ये स्टिकी सा है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मकई का आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कीमे का मिक्सर पतला पतला हो तो उसको खुश करने के लिए, उसको जोड़े रखने के लिए आप बेशक इसमें ज़्यादा मकई का आटा इस्तेमाल कर लें। मैंने 2 खाने के चम्मच रखा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अंडा ऐड कर देती हूँ इसमें। अंडा भी इसको स्टिक करने का काम करेगा।
दो खाने के चम्मच मकई का आटा मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा से बॉल लेके गीले हाथों से मैं इसको फैला रही हूँ। बहुत ज्यादा आपने पतला नहीं करना वरना ये हार्ड सा हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा कीमा लेके बड़े साइज के भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमें पैकेट में मिलते हैं वो इसी साइज के होते हैं। और टमाटर का एक पतला सा स्लाइस हमने इसके ऊपर रखा है, मोटा रखा तो वो इस पे चिपकता नहीं है। इसके अंदर कीमे के अंदर थोड़ा दबा देती हूँ इसको। एक डेढ़ मिनट तक पहले इसको हिलाया नहीं है और फिर मैंने इसकी साइड को टर्न किया है। चपली कबाब बर्गर बनाने के लिए ये दो बंस मैंने लिए हुए हैं। हल्का सा इसको ऑयल लगा के एक चाय के चम्मच के बराबर इसको तवे पे सेक लिया है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ और आपको सॉस बनाना बताती हूँ। एक ये वाला सॉस है जिसमें एक खाने का चम्मच मायो, एक खाने का चम्मच है टोमेटो केचप और एक चाय का चम्मच मैंने मस्टर्ड सॉस का लिया हुआ है। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक और आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर ये डाला हुआ है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये वाला सॉस तो सभी बर्गर्स में लगाया जाता है और बहुत मज़ेदार लगता है। दूसरा वाला जो है वो एक मिक्स किस्म का सॉस है जो आपको बताती हूँ मैं अभी। डेढ़ खाने का चम्मच मैंने मायोनीज लिया हुआ है और हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था। उसको मैंने इस तरह से फ्रीज किया हुआ था, ये इसका फ्रोजन पिघल गया है इसका क्यूब। और चौथाई चाय का चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और दो चुटकी तकरीबन इसमें नमक के डाले हैं क्योंकि कम क्वांटिटी है और इस क्यूब के अंदर भी थोड़ा नमक था तो बस इतना ही काफ़ी है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि नमक की ज़रूरत है तो इसमें आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ये पुदीने के रायते का एक हमने मॉडर्न वर्जन निकाला है कि दही के बजाय इसको मायोनीज के साथ बना रहे हैं। बन का नीचे वाला पोर्शन है उसके ऊपर मैं ये वाला पुदीने और मायो का सॉस जो बनाया है वो लगा रही हूँ दोनों के ऊपर। इसी तरह से एक टीस्पून भर के लगाना काफी है और ऊपर वाले पे ये वाला बर्गर वाला सॉस। आधा किलो चिकन से सात चपली कबाब बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से ये बहुत जूसी हैं और बाहर से क्रिस्प से हैं, बेहतरीन बने हैं। दो के मैंने बर्गर बना दिए आपके सामने ही, बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।